नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय की एक ऐसी खबर जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो महाविद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए जानना आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि UGC ने कुछ दिन पहले गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं लेना जरूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले हम बता दें कि लगभग सभी राज्यों में सरकारों के द्वारा फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना का संकट देश में चल रहा था, जिसको चलते अभी भी कोरोना का संकट चल रहा है। अभी तो वो दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहे हैं। तो इसी बीच UGC ने कुछ दिन बाद में, जब राज्यों के सरकार के द्वारा फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को प्रमोट कर दिया गया था, उसके बाद में UGC ने जारी गाइडलाइंस में कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षा लेना जरूरी है। तो इसी बीच एक और बयान अभी आया है UGC की तरफ से। दोस्तों, बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने परीक्षाओं को लेकर एक और बयान जारी किए हैं, जिसमें UGC ने कहा है कि अभी तक कई विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। UGC ने परीक्षाओं कराने को लेकर विश्वविद्यालय से राय मांगी थी, इस पर उसे विश्वविद्यालय ने जवाब दिया है। UGC को विश्वविद्यालय का मिला जवाब, UGC ने हाल ही में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, जिसके चलते विश्वविद्यालय के बीच असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी कि परीक्षा करानी है फिर नहीं। तो दोस्तों, परीक्षा को लेकर असमंजस्य की स्थिति कैसे बनी, क्योंकि पहले तो विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रमोट कर दिया, अभी अगर विश्वविद्यालय के द्वारा UGC की गाइडलाइंस के आने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है कि फाइनल ईयर की परीक्षा ली जाती है, तो उसके विरोध में छात्र संगठन हो चाहे अन्य छात्र हो, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के लिए यह असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, क्या वो परीक्षा ले या ना ले, इसको लेकर UGC ने राय मांगी थी विश्वविद्यालय की, जिस पर काफ़ी विश्वविद्यालयों ने इस पर राय नहीं दी है। तो आगे बताते हैं कि UGC ने क्या कहा। तो दोस्तों, बता दें कि UGC के द्वारा जो बयान आया है, उसमें कहा गया है कि 177 विश्वविद्यालय ने कोई फैसला नहीं लिया है। इनमें से 454 विश्वविद्यालय ने या तो परीक्षा करा ली है या फिर इसकी योजना बना रहे हैं, वहीं 177 विश्वविद्यालय ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि 27 ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जो 2019-20 के दौरान स्थापित हुए, उनमें पहला बैच फाइनल ईयर की परीक्षा देने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों, 27 ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जो 2019-20 के अंदर ही स्थापित हुए थे, उनके जो पहला बैच था फाइनल ईयर का, वो परीक्षा देने योग्य नहीं है, उनके द्वारा यह राय दी गई है UGC को। और आगे बता दें कि बनी हुई थी असमंजस्य की स्थिति, हालांकि पहले UGC ने कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर राज्य फैसला नहीं ले सकते, इस मामले में केवल आयोग ही कोई फैसला ले सकते हैं। UGC ने राज्यों के विश्वविद्यालय से कहा था कि उन्हें भी UGC की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार HRD सचिव अमित खेर ने कहा है कि UGC एक्ट के अनुसार राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती। दोस्तों, बता दें कि राज्य सरकारों ने, आपको हमने पहले भी बताया कि राज्य सरकारों ने फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया था, जिस पर UGC गाइडलाइंस आने के बाद में विश्वविद्यालय के अंदर यह असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, और सरकारों के अंदर भी, क्योंकि जगह जगह इसका विरोध हो रहा है UGC की इस गाइडलाइंस का। छात्र विरोध कर रहे हैं, छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहे हैं कि देश में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहे हैं और आप छात्रों की कैसे परीक्षा ले सकते हैं। UGC ने परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय को कहा था कि वो किसी भी माध्यम से अपने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन का माध्यम हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑफलाइन भी परीक्षा ले सकते हैं। इस पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षा लेने के मूड में नहीं हैं, और वो UGC को यही राय देंगे। और कुछ ऐसे UGC के द्वारा ये गाइडलाइंस आई है, ये बयान आए हैं, उसमें कहा गया है कि बहुत सारे 177 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अपनी राय नहीं दे रहे, 454 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसने या तो परीक्षा करा ली है ऑनलाइन के माध्यम से हो, या फिर सेम माध्यम से हो, या वो कराने के मूड में हैं। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस न्यूज़ को इतना शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चाहे हम छात्रों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, हम आपके बीच में सबसे पहले लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद।